पेट्रोल डालकर जलाए गए पीड़ित शिक्षक के दर्द को सरकार भूल गई है। हमेशा ट्वीट करने वाली सरकार एक साधारण श्रद्धांजलि नहीं दे सकती थी। सरकार यह भूल गई है कि लिखित रूप में क्या वादा किया गया था। महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री बलात्कारियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता चित्रा वाघ ने ऐसी टिप्पणी की है। हिंगनघाट में कॉलेज में पीड़ित प्रोफेसर को श्रद्धांजलि दी गई। चित्रा वाघ ने गृह मंत्री की आलोचना की और पुलिस की दक्षता पर सवाल उठा है, यह कहते हुए कि महिलाओं की अस्मिता का सवाल है। उन्होंने मांग की है कि पीड़ित परिवार की मांगों को पूरा किया जाए। आज हिंगनघाट जलित के मामले में एक साल पूर्ण हुआ है। हिंगनघाट के नंदरी चौक पर इस पीड़ित शिक्षिका को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया और आज ही के दिन उसकी मृत्यु हुई थी। इस घटना से देश भर में हड़कंप मच गया था। आशाताई कुनावार महाविद्यालय जिस जगह पीड़िता पढ़ा करती थी, वहाँ भी पीड़िता को विद्यार्थी व शिक्षकों ने मौन रख कर श्रद्धांजलि दी। हिंगनघाट अदालत में सरकारी वकील उज्जवल निकम के माध्यम से पीड़ित प्रोफेसर को न्याय दिलाने के लिए बाजू रखी जा रहा है। इस अवसर पर हिंगनघाट में श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा प्रवक्ता चित्रा वाघ, विधायक समीर कुनावार, जिला महामंत्री किशोर दीखे और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। हिंगनघाट के नंदोरी चौक पर जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहाँ भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस वक्त विधायक समीर कुनावार इनके निवास स्थान पर आयोजित पत्रकार परिषद में पीड़िता के परिवार के साथ सरकार द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है उसकी दखल लेने की भी बात की। उसी के साथ जिला के पालक मंत्री पे उन्होंने सवाल उठाए हैं। संवेदनशीलता की हद सरकारी समाप्त हुई है। उसी के साथ ये सरकार शिवशाही के नहीं रहते हुए मुगल शाही सरकार राज्य में काम करते नजर आने की बात कही। या प्रकरणामुळे आपलं नाव त्या ठिकाणी दिलेलं आहे। अतिशय दुर्दैवी आणि क्रूर अशी घटना हिंगनघाट मध्ये आपण त्या दिवशी घडली आणि अंकिता आपण निघून गेली। त्यानंतर जो घटनाक्रम झाला तो आपल्या सर्वांना माहिती आहे। पण ही जी ज्या पद्धतीने तिची हत्या झाली, आज हे जी गोष्ट घडलेली आहे याची आज विचार करण्याची गरज आहे आणि प्रत्येक मुलावर मुलीवर संस्कार करण्याची गरज आहे। आणि हे अंकिता प्रकरण आज आपल्या हिंगनघाटला झालं, पण रोज आता जसं उमेश तुळसकर यांनी सांगितलं की मुंबईमध्ये सुद्धा झालं, हे काय म्हणजे एखाद्या मुलीवर जर प्रेम असेल आणि ती जर दाद देत नसेल तर सरळ तिला पेट्रोल टाकून जाळून टाका, ती काय मानसिकता आहे। अहो तुम्ही त्याचे लेखी दिले ते सुद्धा पूर्ण केले नाही। तुमच्यासाठी ही फक्त घटना होती, पण आमच्यासाठी ही फक्त घटना नाही, आम्ही कधीच विसरणार नाही की आज आमच्यातल्या एकीला जिवंत जाळलं गेलं। मी तिथे आले होते, मी बघितलं त्या मुलीला ज्या ठिकाणी जाळलं त्या ठिकाणी केसांचे कुंचके पडले होते। आपण सगळ्या गृहिणी आहोत, पोळी भाजताना बोट जर चटका लागला तर दिवसभर पाण्याखाली बोट घेऊन फिरत असतो आपण घरभर। इथे तर त्या लेकराला जिवंत जाळलं, काय वेदना झाली असतील, काय त्रास झाला असेल। जेव्हा आपल्या पोटचं पोल जातं ना, त्याची संवेदना ही तेव्हाच कळते। आणि म्हणून मला वाटतं सरकारला या घटनेचं गांभीर्य नाही, त्याचा तुम्ही तीव्र निषेध करते। याच घटनेनंतर गृहमंत्री दिशा कायदा आणायला गेले होते। वर्ष झालं आम्ही ओरडतोय, वर्ष झालं, वर्ष काय झालं दिशा कायद्याचं, काय झालं दिशा कायद्याचं? एक नाही, दोन नाही, तीन नाही, चार नाही, पाच नाही, सहा नाही, सात सात जणींना ना जाळलं। कशी हिंमत होते, का भीती वाटत नाही? आणि मग म्हणले आम्ही नवीन कायदा आणतो, स्वागत, नवीन आणताय, नवीन आणताय, वर्ष झालं मागे लागले। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवी येनुरकर की रिपोर्ट।